हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला। तो हस्तकला का टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जहाँ रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, मेले त्यौहार हैं, तो यहाँ पर हस्तकला का टॉपिक तो पूछा ही जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ ही जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हस्तकला क्या होती है? वे कलाएं जिसमें मशीनों का प्रयोग ना करके हाथ से हम जो तैयार करते हैं तो उन्हें हस्तकला कहते हैं। हस्त का अर्थ ही होता है हाथ, और हाथ से की जाने वाली कलाकृति, ठीक है, जिनमें हम मशीनों का यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हाथों से ही कोई चीज तैयार करके जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान जो है वो हस्तकला की दृष्टि से जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हस्तकला जो है हाथों से बनी हुई कलाकृति जो है, जिसके लिए विदेशों से भी जो है वो लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जो वस्तुएं हैं खरीदते हैं। तो यदि हम कह दें कि राजस्थान को हस्तकलाओं का हम अजायब घर कह सकते हैं, या हम राजस्थान का खजाना कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग जयपुर जाएंगे तो जयपुर में आपको मार्केट में देखिएगा, हर दुकान के बाहर आपको ऐसी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो जो कि हाथों से बनाई जाती हैं, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि जो फ्लावर पॉट होते हैं जिनको हम घर में खरीद के लाते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, तो ये जो है वो हाथों से कलाकृति की जाती है। उस पर बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिजाइनें जो है वो डाली जाती हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम झट से उनको खरीद लेते हैं। इसके अलावा कपड़े भी देखें तो उनमें जो रंगाई छपाई होती है, जो कि हमें देखते ही बनता है कि हम इसको ले लें, ये हमें बहुत अच्छी लगेगी। शादी विवाह में यदि जाना है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है, जो कि अलग हटके जो होगी कढ़ाई, अलग हटके जो इस पे कारीगरी की गई होगी, तो वो चीज़ हम खरीदें। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हाथों से बन रही हैं, ठीक है। तो जहाँ हम बंधेज की चुनरी देखते हैं, ठीक है, और बंधेज का साफा देखते हैं, तो उनमें जो काम हो रहा है रंगाई का, छपाई का, तो वो सभी हाथों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम मशीनों का प्रयोग करने वाली चीज़ों की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे जो केवल हाथों से तैयार की हुई वस्तुएं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ब्लू पॉटरी। पॉटरी यानी क्या होता है? पॉट होता है, जो फूलदान होता है आप लोग घर में देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लावर पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ब्लू पॉटरी यानी कि नीली पॉटरी। और पॉटरी का अर्थ क्या होता है? जो कि मिट्टी की बनी होती है, ठीक है, मिट्टी से बनी कलाएं जो है वो पॉटरी कलाएं कहलाती हैं। और ये जो पॉटरी है इसका जो उद्भव है वो माना जाता है दमिश्क से। दमिश्क कहाँ से? सीरिया से माना जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है ये लाहौर आती है, और लाहौर से जो है वो आमेर के राजा मान सिंह जो है वो पॉटरी कला को लेकर आते हैं, चाहे वो ब्लैक पॉटरी हो, ब्लू पॉटरी हो, ठीक है, कागजी पॉटरी हो, लेकिन पॉटरी कला जो कि मिट्टी से बनी हुई कलाएं हैं। तो जो मानसिंह थे, कई जो हैं वो अभियान पर जाते हैं, अकबर उनको कई अभियान पर भेजते हैं, तो जहाँ भी वो जाते थे तो ये चीज़ जो है वो सबसे पहले गौर करते थे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ खास है जिसको जो है वो भारत ले जाया जा सकता है। तो यही चीज़ जो है वो उन्होंने की, और जो है वो दमिश्क सीरिया से जो है ये पॉटरी कला जो है वो आती है, लाहौर आती है, और लाहौर से जो है वो आमेर के राजा मान सिंह इसको भारत में लेकर आते हैं, ठीक है। और तभी से जो है वो जानकारी हो जाती है कि ये ब्लू पॉटरी यानी मिट्टी से भी कोई कलाकृति की जाती है। और अब हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो हमें ऐसी मिलती हैं। तो ब्लू पॉटरी जो है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का चित्रांकन किया जाता है। तो नाम से ही पता लग रहा है ब्लू, तो नीले रंग का चित्रांकन इस पर होता है, बहुत सुंदर जो है इस पर कलाकारी की जाती है। और जयपुर जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर है उसके एक खुर्जा गांव में जो है वो मशीन से बनी ब्लू पॉटरी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की हस्तकला की, तो हमें ये याद रखना है कि ब्लू पॉटरी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये देखिए, मैंने जो है वो चित्र बनाने की कोशिश की है ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल ध्यान में आ जाए। हमने ब्लू पॉटरी शब्द सुना था, यानी कि ब्लू कलर का जो है वो एक पॉट था जिस पर सुंदर सी जो है वो कलाकृति की गई थी, ठीक है, मिट्टी से, चीनी मिट्टी से बनी हुई ये है।
तो यहाँ पर इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछ भी ली गई है, आगे भी हो सकता है यही आ जाए। तो कृपाल सिंह शेखावत जो कि इसके मुख्य कलाकार थे, इनका निधन जो है वो 2009 में हो गया था। और ये कहाँ के थे, ये शेखावटी क्षेत्र के थे, सीकर के, ठीक है, शेखावत से ही आप पता लगा लेंगे कि ये शेखावटी क्षेत्र के थे, ठीक है, सीकर के। और इन्होंने इस ब्लू पॉटरी में नीले रंग सहित 25 रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का प्रयोग किया, 25 रंगों का प्रयोग किया। और इसी वजह से इस कला के लिए इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पॉटरी का उद्भव जो है वो दमिश्क से माना जाता है, दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, वहां से जो है ये पार्शिया आती है, पार्शिया से अफगानिस्तान आती है, और यहां से होते हुए भारत आती है। अब ये पूछा जाता है कि मानसिंह प्रथम के समय इसकी शुरुआत होती है, राजा मानसिंह जो कि आमेर के थे तो लाहौर से इसको लेकर आते हैं, और इसका विकास जो है वो राम सिंह सेकंड के समय हुआ, ठीक है, इन्होंने इसका जो है वो बहुत ज्यादा जो है इसका विकास किया। दोनों ही अलग याद रखें, मानसिंह फर्स्ट जो है इसको लेकर आते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, और जो इसका विकास है वो कौन करता है, राम सिंह सेकंड, ठीक है। तो राम सिंह सेकंड के बारे में भी पूछा जा चुका है, मानसिंह प्रथम के बारे में भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है ब्लू पॉटरी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इस कला को जो प्रसिद्ध किसने किया, कृपाल सिंह शेखावत ने किया, उनको पद्मश्री अवार्ड भी इसमें मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए ब्लैक पॉटरी, तो ब्लू पॉटरी जहां हमने देखा कृपाल सिंह शेखावत और नीले रंग का उसमें बहुत अधिक प्रयोग, कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का भी उसमें प्रयोग किया नीले रंग के साथ में। ब्लैक पॉटरी तो इसमें ब्लैक रंग का प्रयोग किया गया है, और ब्लैक से याद रखिए, ब्लैक यानी काला और काले से कोटा, ठीक है, क ऐसे याद रखिए, तो कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी। अगला देखें कागजी पॉटरी, कागजी पॉटरी जो है वह अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है, थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है, और इस पॉटरी को जो है परतदार पॉटरी भी कहा जाता है। इस कला में क्या होता है कि जो चीनी मिट्टी के बर्तनों को कागज के समान पतले जो पत्रे होते हैं उस पर पॉटरी का कार्य किया जाता है। कागजी पॉटरी का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है वो पॉटरी कागज की बन रही है, इसमें कागज की ही भांति बहुत ही पतले जो है पत्रे पर पॉटरी का काम होता है, ठीक है। फिर देखें ठेवा कला, ठेवा कला क्या होती है, देखिए इस तरीके से जो है वो कांच होता है, और इस कांच के ऊपर जो है वो सोने से जो है वो चित्रकारी की जाती है, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, कोई भी चित्र हो सकता है। तो यहाँ कांच पर जो है वो सोने का चित्रांकन किया जाता है ठेवा कला में, और रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, और इस समय जो है वो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, एक ये बात जो है वो आप याद रखेंगे। और इस कला के लिए प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वह सिद्धस्त है, ये जो है वो सिद्धस्त है, माहिर है इस कला में, ठेवा कला में, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अपना जो कार्य है वो किसी और को नहीं सिखाते थे, ये क्या करते थे, ये परिवार जो है इस कला को केवल अपने पुत्रों को ही सिखाते थे, यहाँ तक कि बहू बेटियों को भी नहीं सिखाते थे। इस वजह से सोनी परिवार जो है वही सीमित रहा है इस कला के लिए, और कोई जो है वो इस कला को नहीं कर पाता है। तो ये याद रखें, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है वो थेवा कला के लिए सिद्धस्त, इसको हासिल है, प्रसिद्ध है। 500 वर्ष पूर्व जो है नाथू जी सोनी ने इसकी शुरुआत की थी, और जो राजा सावन सिंह जो है वो इस कला को जो है वो प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और 500 वर्ष पूर्व जो है नाथू जी सोनी, ठीक है, सोनी परिवार है और इसकी शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी पहचान जो है जस्टिन बकी ने दिलाई थी कि देखो ये भी एक कला है और इतनी सुंदर कला है, तो ये विदेशों तक जो है ये कला जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो है वो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी को पकाकर बनाई गई मूर्तियां, जहां पर हमने पॉटरी कला में क्या देखा था, मिट्टी की बनी कलाएं थी वो पॉटरी कलाएं, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं सुंदर सुंदर, चाहे वो छोटा सा जो है वो बाउल हो सकता है, यानी कि कटोरा हो सकता है, गिलास हो सकता है, या कोई हाथी घोड़ा, ठीक
कुछ भी हो सकता है। कई बार जो है वो देवी देवता की जो है वो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां जो है वो आप लोग मार्केट में देखते हो, विशेषकर जब हम दीपावली आती है तो वहां पर हमें जो है वो देवी देवताओं की जो है वो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां दिखाई देती है, तो ये वही है। तो इसका नाम क्या है, टेरा कोटा, यानी कि मृण मूर्तियां भी हम इन्हें कहते हैं, मिट्टी को पकाकर बनाई गई मूर्तियां। तो राजसम्मत का जो मोलेला गांव है वह टेरा कोटा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हरजी गांव जालौर का जो है वह भी प्रसिद्ध है, लेकिन कई बार एग्जाम में जो है मोलेला गांव जो है वह आया है, राजसम्मत नहीं लिखा हुआ होता है, मोलेला गांव से ही आप याद रखेंगे कि ये टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोहनलाल कुम्हार को पद्मश्री जो है वो अवार्ड इसमें मिला है, किसमें, टेराकोटा, ये जो हस्तकला है इसमें मोहनलाल कुम्हार को क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। खेमराज भी इसके प्रमुख कलाकार हैं, और जालौर का जो हरजी गांव है यहाँ पर मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, और ये भी किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है। मोलेला गांव आप याद रखेंगे, मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर देवी देवताओं के अलावा जो है कोई भी जैसे जो इंसान है उसकी मूर्तियां भी बना देते हैं, कुछ बर्तन जो होते हैं वह भी बनाए मिलते हैं। हम देखते हैं मार्केट में जब हम त्योहार के समय जाते हैं तो हमें बहुत सारी मिट्टी से बनी हुई जो है वो कलाकृति दिखाई देती है, तो उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां भी दिखती हैं। कई बार जो है वो हमें गुल्लक भी दिखाई देती है जिसमें जो है हम पैसे वगैरह डालते हैं, तो वो भी मिट्टी को पकाकर ही बनाई गई जो वो होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं। अगला देखिए बादला, बादला देखिए क्या होता है, जो भी पश्चिमी राजस्थान के जो बच्चे हैं वो तो सभी जानते हैं बादला क्या होता है। तो ये एक पानी ठंडा करने की एक बोतल टाइप की होती है, केतली होती है, जिसमें पानी जो है वो काफी लंबे समय तक जो है वो ठंडा रह सकता है, ठीक है। और ये जिंक से बनी हुई जो है वो एक बोतल होती है जिसके चारों ओर जो है वो कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में जहाँ हम मई जून में देखें तो पानी जो है वहाँ पर आपको खौलता हुआ मिलेगा, यानी बहुत गर्म मिलेगा, पीने लायक नहीं रहता है। तो वहाँ पर अक्सर लोग जो हैं वो अपने साथ जो हैं ये बादला रखते हैं, ठीक है। जोधपुर का ये प्रसिद्ध है, पानी ठंडा करने का जिंक धातु का लेप करके बनाया गया ये बर्तन होता है। तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता तो हर समय जो है हर व्यक्ति को पड़ती है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है मई जून में, तो वहाँ पर जो है इस बर्तन का काफी प्रयोग किया जाता है ताकि काफी लंबे समय तक जो है वो पानी ठंडा रह सके और वो पीने योग्य हो। तो याद रखेंगे बादला, बादला से आप याद रख सकते हैं कि बादल, बादल जो है वो जब आते हैं तो पानी बरसाते हैं, तो यही याद रखिए कि पानी का जो है एक ये बर्तन होता है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो कहाँ पड़ती है, पश्चिमी राजस्थान में पड़ती है, तो यहाँ पर जो है वो बादले की आवश्यकता तो होगी ही, तो जोधपुर का बादला जो है वह प्रसिद्ध है। अगला देखिए मीनाकारी, मीनाकारी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी को देखा होगा, बहन को देखा होगा कि जब वो कोई आभूषण जो है उनका प्रयोग कर रही हैं, गले में पहनती हैं चाहे कानों में पहनती हैं, तो आप ध्यान देना कि उसमें जो है सोने के साथ में जो लाल और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है तो वही मीनाकारी कहलाता है, ठीक है। चाहे वो एक रिंग भी हो सकती है जो कि अंगूठी भी हो सकती है, तो उसमें भी आप ध्यान देना, चाहे वो सोने की भी हो सकती है चांदी की भी हो सकती है, तो जिन मूल्यवान रत्न सोने चांदी के आभूषण पर लाल और हरा रंग भरने की कला होती है तो उसको मीनाकारी कहा जाता है। कुदरत सिंह जी जो है इसके मुख्य कलाकार हैं, याद रखें मीनाकारी के मुख्य कलाकार कौन है, कुदरत सिंह, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मीना के साथ तो कुदरत ने कमाल ही कर दिया, या कुदरत जो है वह मीना पर मेहरबान है, ऐसे याद रखें, क्योंकि कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं, तो वहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है, कृपाल सिंह शेखावत और कुदरत सिंह एक साथ एग्जाम में आ जाएं तो हम याद नहीं रख पाते हैं। तो एक आप ये याद रखें, दूसरा अपने आप आपको याद आ जाएगा कि कुदरत की कृपा तो मीना पर है, ठीक है। तो मीनाकारी के मुख्य कलाकार कौन रहे,
कुदरत सिंह। मुन्ना लाल जो है वह भी इसके कलाकार है। इसका उद्भव जो है वो पारशिया ईरान से हुआ था और राजा मान सिंह प्रथम जो है इसको लाहौर से लेकर आए थे। जो पॉटरी जो है उसको भी लेकर आए थे मान सिंह प्रथम लाहौर से, और मीनाकारी जो है इसको भी लेकर आने वाले कौन है, राजा मान सिंह। ठीक है, कहाँ के थे ये, आमेर के। फिर देखें उस्ता कला। उस्ता कला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। उस्ता, उस्ता से याद रखिए ऊंट। ठीक है, तो ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी, ये जो ऊंट की खाल होती है उस पर, चाहे वो गले में की जाए, चाहे वो ऊंट के जो यहाँ पर बैठने की जो जगह होती है यहाँ पर जो है चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ पर खाल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऊंट की खाल के ऊपर सोने की जो है वो सुंदर सुंदर जो है वो आकृति बनाई जाती है। ठीक है, जिससे कि वो ऊंट जो है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। और ये जो है वो कलाकारी जो है किसने की है, यह भी कई लोग जो है वो पूछते हैं। ठीक है, और बहुत जो है सुंदर वो दिखाई देता है। कई बार जो है जब मेले का आयोजन होता है तो वहां पर आप देखिएगा कि इस तरीके की चित्रकारी आपको दिखाई देगी। तो ऊंट जो है कहाँ पर, रेगिस्तानी इलाके में जो है ऊंट ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बीकानेर की जो है उस्त कला काफी प्रसिद्ध है। महाराजा अनूप सिंह जो है, अली राजा और रुकनुद्दीन को जो है वो लाहौर से लेकर आते हैं यहाँ पर राजस्थान में, और यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो है वो ये उस्ता कला जो है यहाँ कलाकारी करवाई जाती है। तो ये अनूप सिंह जब लाहौर जाते हैं तो वहां पर इन दोनों व्यक्तियों को देखते हैं कि ये तो ऊंट के ऊपर जो है वो कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है इस कलाकारी को जो है वो भारत में भी लेकर आए और यहाँ पर जो है वो दिखाएं। तो इस वजह से इन दोनों को ये लेकर आते हैं और यहाँ पर ये चित्रकारी जो है इनको करने को कहते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता को जो है इसमें पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। और इसी उस्ता कला को जो है वो बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बना हुआ है। तो यदि कोई भी सीखना चाहता है इसको, कोई भी सीखना चाहता है इस उस्ता कला को जो कि ऊंट की खाल पर जो है वो सोने की चित्रकारी की जाती है, तो इसको सीख सकता है बीकानेर में। उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो हैं वो नहीं सीखेंगे, आप लोगों का काम तो है वो पढ़ना और एग्जाम में ये याद करके जाना और क्वेश्चन का आंसर सही करना कि उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और इस कला में ऊंट की खाल पर जो है वो सुनहरी नक्काशी जो है वो की जाती है। ठीक है, फिर देखें कुंदन कला। कुंदन कला जिसको हम पच्चीकारी भी कहते हैं, तो जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उन पर जो है वो कीमती पत्र की जो जड़ाई होती है उसी को कुंदन कला कहा जाता है। तो जयपुर की जो है वो कुंदन कला जो है वो काफी फेमस है। ठीक है, मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, कुंदन कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, वहीं पर हमने देखा ब्लू पॉटरी के लिए भी जयपुर को जाना जाता है। फिर देखें नमदे। नमदे जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जाने नमदे क्या होते हैं। ऊन को कूट कूट कर, कूट कूट कर जो है उसे जमाया जाता है, और जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनको नमदे या गलीचे कहते हैं। तो गलीचे शब्द से आप अब ध्यान में आ गया होगा कि नमदे क्या होते हैं, जिन पर जो है वो हम बैठते हैं। कई बार जो है बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं तो महिलाएं जो हैं वो उसको बिछाती हैं और उसके ऊपर जो है वो बैठा जाता है। ठीक है, कई बार जो है लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उसके लिए भी छोटे छोटे जो है वो बनाते हैं जिस पर बैठकर जो है वो खाना धरती पर बैठकर खाया जा सके। ठीक है, तो नमदे जो है वो क्या है, ऊन को जो है वो बहुत कूटा जाता है और फिर उनको जमाया जाता है, और जमाने के बाद जो है वो विभिन्न तरीके के वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं, उन्हीं को नमदे कहते हैं और गलीचे कहते हैं, और नमदे के लिए टोंक जो है वो प्रसिद्ध है। फिर देखें रंगाई छपाई। तो रंगाई छपाई यानी कि कपड़े का काम, तो कपड़े के काम पर ही हम करते हैं रंगाई छपाई। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक ही तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। यहाँ पर जो है वो प्रिंट के नाम आते हैं, तो यहाँ पर कौन सी प्रिंट जो है कहाँ की प्रसिद्ध है ये पूछा जाता है। तो आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट ये जो है चित्तौड़गढ़ अकोला यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो थोड़ा सा हम आजम प्रिंट जो है इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है विशेषकर लाल हरा काला रंग का प्रयोग किया जाता है, और जो हम देखते हैं ना घाघरा चोली में, घाघरा घाघरा जो देखते हैं, लहंगा जो देखते हैं, वो जो है इस प्रिंट के लिए काफी प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट के लिए।
जाजम प्रिंट जो होता है, जो कि हमने देखा है कि जो बिछाने के लिए काम में लिए जाते हैं ना, तो जो कपड़े होते हैं तो उन पर जाजम प्रिंट जो है वो दिखाई देती है। विशेषकर जो है शादी ब्याह में हम देखते हैं बिछाने के लिए जो कपड़े होते हैं तो उन पर जाजम प्रिंट का काम किया जाता है। तो जाजम प्रिंट में जो है सूती मोटे कपड़े की जो है रेजा द्वारा बुनाई की जाती है, ठीक है, और बिछाने के काम आता है ये। और यहाँ ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर केवल यही पूछा जाएगा आजम प्रिंट जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की। वहीं पर दाबू प्रिंट जो है यह भी अकोला चित्तौड़गढ़ की ही प्रसिद्ध है, और इसे छिपा जाति के लोग जो है इसको करते हैं, ठीक है। इसमें भी लाल हरा रंग जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए सांगानेरी प्रिंट, तो सांगानेर कहाँ है, जयपुर में है, और यहाँ पर जो है सांगानेरी प्रिंट जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और इस प्रिंट में काले और लाल रंग का अधिक प्रयोग होता है, और जितने भी प्राकृतिक रंग होते हैं उनका प्रयोग भी इसमें किया जाता है, छिपा जाति के लोगों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर रंगाई छपाई का काम जो है वो हमने देखा कि नीलगर छीपे और रंगरेजों द्वारा ही होता है। तो यहाँ सांगानेरी प्रिंट है, दाबू प्रिंट है, इसमें छीपा जाति के लोग जो है वो इसमें कार्य करते हैं। मुन्ना लाल गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांगानेरी प्रिंट जो है इसको प्रसिद्ध किया था, ठीक है। और सांगानेरी प्रिंट का जो सर्वाधिक विकास जो है वो सवाई जयसिंह जो है उनके समय में हुआ था। तो नोट में देखिए, एक नोट में क्या है कि सांगानेर जो जयपुर में है यहाँ पर कागज को भी हाथ से बनाए जाने के लिए जाना जाता है, ठीक है, कागज को भी हाथ से बनाया जाता है सांगानेर जयपुर में। तो ये थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट देखिए बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट जो है ये कला जो है बेल बूटे की छपाई के लिए जानी जाती है, बगरू प्रिंट, ठीक है। इसमें भी प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, तो ये दोनों प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है। और इस प्रिंट में क्या है, अजरक प्रिंट में इसमें तो दोनों तरफ छपाई होती है, और जो मलीर प्रिंट है इसमें एक तरफ छपाई होती है। तो अजरक प्रिंट मलीर प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की है, और खत्री जाति द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। अजरक प्रिंट में नीले रंग का प्रयोग और दोनों तरफ छपाई होती है, मलीर प्रिंट में काले और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर एक तरह तरफ जो है वो छपाई की जाती है। तो हमने जो है वो अभी प्रिंट जो है उनके कितने प्रकार पढ़े, जिसमें हमने देखा आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, तीनों याद रखें अकोला चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर कहाँ है, जयपुर में है, तो सांगानेरी प्रिंट जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट भी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट ये कहाँ की है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आप जो है वो इनको जोड़ों में याद रखें, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट कहाँ की, अकोला चित्तौड़गढ़ की, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट जयपुर की, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहाँ की, बाड़मेर की। तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फड़ कला को, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो भी चित्र बनाए गए हैं इनको भी आप ध्यान में माइंड में छाप लें, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाता है फिर भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या रहता है कि हम जो है वो रटते चले जाते हैं। तो एक बार इनको याद करने के अलावा जो है वो चित्र जो है वह भी माइंड में लेकर आइएगा हस्तकला के टॉपिक में, ठीक है। और भी जो है इनके चित्र जो है वो आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में जो है वो याद आ जाए। हालांकि टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, लेकिन हमें जो है वो टाइम पर याद नहीं आ पाए, तो इसके लिए एक तो आपको इसे बार बार पढ़ना है तो आप ये कर पाओगे, दूसरा इनके चित्र जो है वो आप दिमाग में रखिएगा कि जो ब्लू पॉटरी है वो किस तरीके का ब्लू पॉट हमने देखा था, ठीक है, और जिसके लिए कृपाल सिंह शेखावत जाने जाते हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर हमने जो है दूसरा जो देखा था कौन सा, ब्लैक पॉटरी देखी थी, काले रंग का प्रयोग होता है, कोटा की प्रसिद्ध है। तो वहां ब्लैक से मैंने याद करवाया आपको, ब्लैक यानी काला, और कोटा भी का से स्टार्ट होता है, ठीक है। कागजी पॉटरी तो जो है अलवर की प्रसिद्ध है। फिर हमने थेवा कला देखी, थेवा कला जिसमें सोनी परिवार सिद्धस्थ है, कहाँ का, प्रतापगढ़ का,
कांच पर सोने का चित्रांकन उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा, टेराकोटा के बारे में मैंने बताया कि जो मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको टेराकोटा कहते हैं। और इसमें केवल एक ही लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, राजसम्मत का मोलेला गांव, इसको आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी आएगा। बादला, बादला बादल से याद करना था, जो कि कहाँ पर पानी जो है वो कम बरसता है, पश्चिमी राजस्थान में, तो वहां पर सबसे ज्यादा बादला यानी पानी पीने का एक बर्तन है, तो जिससे कि पानी ठंडा रह सके, ठीक है। तो वहाँ जोधपुर साइड में जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। मीनाकारी हो गई, कुंदन कला हो गई, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। उस्ता कला, ऊँट आपको कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे, तो बीकानेर याद रखिएगा। ऊँट की खाल पर सोने की चित्रांकन जो है वो करना, ठीक है। दो नाम याद रखिएगा, अली रजा और रुकनुद्दीन, जिनको अनूप सिंह लेकर आए थे, कहाँ से, लाहौर से लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो रंगाई छपाई में, जिसमें हमने प्रिंट याद किए, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ अकोला की, और दाबू प्रिंट भी है चित्तौड़गढ़ अकोला की, सांगानेरी, बगरू प्रिंट जो है वो कहाँ की है, जयपुर की है। और इसके अलावा जो है वो हमने दो प्रिंट और देखी, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट बाड़मेर की, ठीक है। तो आपको जो है वो अभी ही याद हो गई होंगी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे फड़कला को। थैंक यू।